कराची में मीका सिंह की इस परफॉर्मेंस का नतीजा है कि उनके घर के बाहर ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन ने ये प्रदर्शन किया। कराची में 8 अगस्त को मीका सिंह ने एक शादी में परफॉर्म किया था। कुछ पाकिस्तानियों ने मीका की परफॉर्मेंस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद भारत में भी सोशल मीडिया पर मीका की काफी आलोचना हुई। भारत के खिलाफ साजिश रहता पाकिस्तान हमला करने की, और बार बार तुम जाके उतरी गा रहे, हिंदुस्तान ने तुम्हें क्या कमी दी? पैसा नाम सोरा हिंदुस्तान ने दिया है, और वहाँ जाके तुम हमारा पाकिस्तान कहता है? ये हमारा भारत है मीका सिंह, गो बैक पाकिस्तान। और वहाँ से कलाकार को सीखो जाके उधर पाकिस्तान के, वो क्या कहते हैं, वो अपने प्राइम मिनिस्टर का तारीफ करते, कोई इंडस्ट्री का तुम सामने क्यों नहीं आता है? जब स्टैंड लेने की बात आती है, ये तनाव का माहौल है, और तुम जाके पाकिस्तान में गाना गाना कुछ पैसा के लिए, ये देश से बढ़कर पैसा हो गया? तुम जैसे लोगों को इंडस्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं है। और मैं कहता हूँ, कोई भी इंडस्ट्री का काम देगा, हम उसे घर पर प्रोटेस्ट करेंगे। और ये भी कहते रहो, जो भी उसे इंडस्ट्री में, पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में काम देगा, वो देशद्रोही कहलाएगा, और जो उसके उसको काम नहीं देगा, वो देशभक्त कहलाएगा। ये टाइम है स्टैंड लेने की मीका सिंह, और तो ये FWIC से बैन हटा नहीं, हम अपने स्टैंड पे बैन तो बैन, तुम जहाँ काम करेगा हम वहाँ प्रोटेस्ट करेगा। ये 130 करोड़ जनता की आवाज है मीका सिंह, सुन ले। इन प्रदर्शनकारियों को कुछ देर बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि मीका सिंह ने इन्हें फर्जी प्रदर्शनकारी बताया और एक पत्र जारी करते हुए कहा कि उन्होंने वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज एसोसिएशन से माफी मांग ली है, साथ ही वो एसोसिएशन के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं। मीका ने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड करके दावा किया कि एसोसिएशन ने उनकी मांग मान ली है। हाल ही में वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मीका सिंह पर बैन लगाया था। जैसा कि मीका सिंह का भी लेटर आया है, उसमें उन्होंने ये बात कहा है कि हम फेडरेशन की हर बात को मानने के लिए तैयार हैं, यदि हमसे गलती हुई है तो मैं पूरे देश से माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मगर जब तक आपने हमें सुना नहीं तब तक किसी तरह का आप हम पर प्रतिबंध न लगाएं, और हमारे प्रेस रिपोर्ट के लिए हमारी आपके साथ मीटिंग का इंतजार करें। तो उम्मीद है कि मंगलवार को उनके साथ मीटिंग हो रही है। कराची में मीका सिंह जिस बिलियनियर की शादी में परफॉर्म करने के लिए गए थे, उसे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का रिश्तेदार भी बताया जाता है। खबर है कि मीका ने परफॉर्मेंस के लिए करीब 1.8 करोड़ रुपए लिए। मीका सिंह जल्द ही इस विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इंडस्ट्री से उनके पक्ष में उठने वाला एक नाम एक्टर सभी सिद्धू का है। कुछ दिन पहले तंगी की वजह से सभी सिद्धू का एक बिल्डिंग में चौकीदारी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। मीका सिंह ने ही बाद में आगे बढ़कर उनकी मदद की थी। जाने अनजाने में कुछ चीजें हुई हैं, हमारे देशवासियों को, नेताओं को डेफिनेटली वो अपनी जगह है, सही है, तो मीका जी को मौका दिया जाए, ख्याल से वो अपना पक्ष रखेंगे, जैसे बोल रहे हैं माफी मांगने का, या जो उनको सही लगेगा वो जरूर करेंगे। ही इज अ इंडियन फर्स्ट, जो जाने अनजाने में हुआ है, ही विल नेवर डू, वो कभी नहीं करेंगे। मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक। पंजाब तक आपके लिए लेकर आया है व्यूअर्स कॉलर, जिसमें 30 सेकंड में आप रख सकते हैं अपनी बात। हमें भेजिए अपना वीडियो सिर्फ 30 सेकंड का रिकॉर्ड करके हमारे इस ईमेल आईडी पर, और हाँ, अपना नाम और लोकेशन लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको आना है स्क्रीन पर।